नमस्कार दोस्तों, अगर आप आईफोन यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए कैसे फेस आईडी हो चुकी है कॉम्प्रोमाइज। फेस आईडी वो फीचर जो एप्पल क्लेम करता है कि 100% सिक्योर है, जिसको देख के आप अपने बैंक ट्रांजैक्शंस करते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, सारी आईडीज लॉगिन करते हैं, वो हो चुकी है कॉम्प्रोमाइज। आज देखिए, मैं प्रखर और मैं हूं अतीन्द्र, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपका आईफोन हो चुका है कॉम्प्रोमाइज। देखिए, मेरे पास है आईफोन 11 प्रो मैक्स और इस समय मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पे आप देख सकते हैं कोई भी दूसरी अल्टरनेट फेस आईडी रजिस्टर्ड नहीं है। ये एक्सक्लूसिवली फ़ोन सिर्फ मेरे ही फेस आईडी से रजिस्टर्ड है। अब मैं इसको आपके सामने लॉक कर दे रहा हूं और जैसे ही अनलॉक की रिक्वेस्ट आती है, ये देखिए लॉक्ड है, लेकिन मैं इसको अपने फेस पे लाता हूँ, स्वाइप अप करता हूँ और ये खुल जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये मेरे फेस से भी खुलेगा? देखिए, इसमें कोई दूसरी आईडी रजिस्टर्ड नहीं है और फ़ोन पूरी तरीके से लॉक है। मैं बिना किसी पासकोड डाले बस इस फ़ोन को अपनी शक्ल के सामने लेके आऊँगा और ये अनलॉक हो जा रहा है। ये देखिए, मैंने स्वाइप अप किया, अपना चेहरा दिखाया और फ़ोन खुल गया। फिर से देखिए दोस्तों, ये फ़ोन आपका लॉक है और जैसे ही मैं इसको अपनी शक्ल के सामने लाऊंगा, स्वाइप अप करूंगा, फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। देखिए, मैं इस समय दूर हूँ फ़ोन से, लेकिन एक बार फिर से मैं लॉक कर दे रहा हूँ, एक बार फिर से अनलॉक कर रहा हूँ, लॉक इधर को दिखा रहे हैं और ये देखिए अनलॉक हो जाता है। अगर मैं अपना फेस हटा दूं और लॉक रखूं, ये देखिए ये नहीं, ये लॉक रहता है, ये ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये फीचर मेरे सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा में नहीं हो रहा है। मेरा फेस इस मेरे फ़ोन में रजिस्टर्ड है और जैसे ही मैं अपना फेस लाता हूं, ये फ़ोन अनलॉक होता है। तो क्या ये अतीन्द्र की शक्ल से भी अनलॉक होगा? देखिए, ये फ़ोन इस समय लॉक्ड है। अब मैं इसको अपने फेस पे लेके आता हूँ और थोड़ी देर बाद घूमने के ये क्लियरली दिखा देता है। देखिए, ये दिखा रहा है फेस डजंट मैच। तो दोस्तों, क्या आपका आईफोन ब्रीच हो चुका है? क्या आपके आईफोन में भी ये प्रॉब्लम आ रही है? अगर आपको लगता है कि हम दोनों हम शक्ल हैं तो आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि आईफोन की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है तो इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको लगता है